भाई कुनाली ने जो एक्टिंग किया ना, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इससे। मुझे लग रहा था कि ये रो जाएगा, ये नर्वस होगा, भाई बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, लास्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, हम आए हुए हैं मनाली और अभी अभी हम हेलीकॉप्टर से आए हैं, हेलीकॉप्टर राइड करके, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो हाँ, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे शूट के लिए, जहाँ पे हम जिप्सी चलाएंगे चारों भाई। हम जा रहे हैं वहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ में, अटल टनल भी जाएंगे। अटल टनल तो आपको पता है काफ़ी फेमस टनल है यहाँ की, मनाली की आगे ही है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है शूट का। तो अभी तक तो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, अभी सिर्फ एक टेक हुआ है, वो भी हेलीकॉप्टर वाला, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा। अब अभी तो बहुत सारे हैं, 3 दिन तक शूट करना है हमको। हाँ, किसमें जाएंगे, जिप्सी में या कार में? अभी तो कार में जाएंगे, इनोवा में, फिर जिप्सी में चलाऊंगा ना। अरे ध्यान से। फाइनली गाइस निकल पड़े हैं सेकंड लोकेशन पे। तो कुनाली कैसा लगा हेलीकॉप्टर में बैठ के? भाई डरा ही नहीं बिल्कुल भी, भाई कुनाली बिल्कुल भी डरा, हम सारे डर रहे, इसको मजे आ रहे, अभी छोटा है इसलिए नहीं डरा ये। आपको नेक्स्ट टाइम बिठाएंगे, आपको नेक्स्ट टाइम, बड़ा होकर भी नहीं डरूंगा। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं अटल टनल, काफी फेमस टनल है, लद्दाख जाते हुए रास्ते में आते हैं अटल टनल, तो आज देखेंगे। मैंने तो वीडियोस फोटोज में देखी थी। भाई ये कितना सुंदर है, ये कौन सी जगह है? तो गाइस ये सोलांग वैली, यहाँ बर्फ गिरती है तगड़ी वाली विंटर में ना, और वहाँ पे देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी गाइस पहुंच चुके हैं, वो देखो सामने वो है अटल टनल, मैं उतर के देखता हूँ। आई थिंक इस टनल में जाने से पहले ना चेकिंग वगैरह होती है, क्योंकि यहाँ देखो काफी ट्रैफिक लगा हुआ है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अटल टनल रोहतांग, गुजरात अहमदाबाद। अरे गुजरात से? अरे हाय, मोटो ब्लॉगर्स, मोटो ब्लॉगर है। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो? लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक सबको। गाइस इसके अंदर ना स्पीड लिमिट है 40 की, 40 से अगर ऊपर गई तो सीधा चलान, और 9 किलोमीटर लंबी है, 9 किलोमीटर लंबी। तो गाइस फाइनली अटल टनल के अंदर, और मतलब इतना मजा आ रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रही, 9 किलोमीटर लंबी है और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना इसके अंदर, और ये पहाड़ काट के पता नहीं कैसे बनाई होगी भाई, पहाड़ के अंदर ही बना रखी है, पहाड़ के अंदर पता नहीं कैसे बनाई होगी भाई पहाड़ काट के, लेकिन इतना मजा आ रहा है ना, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम तो। अटल टनल कब खत्म होगी सर्दा? ये 8 किलोमीटर बाद खत्म होगी। चलो खत्म हो गई। तो अभी पहुंच गए सेकंड लोकेशन पे, तभी रुके गए कुछ खाने पीने के लिए, बिकॉज बहुत भूख लग रही है, तो लंच कर लेते हैं। मैं सेकंड टाइम हिमाचल आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं शिमला आया था शूट पे मौजा ही गाने के, लेकिन सेकंड टाइम आया हूँ भाई, इतना प्यारा है ना मनाली, मैंने वीडियोस फोटोज में देखा था, लेकिन रियल में देख के भाई इतना प्यारा लग रहा है ना। तो ये वॉशरूम मिला है हमको, यहीं चलते हैं। मम्मी जी कैसा लग रहा है हिमाचल? हिमाचल बहुत अच्छा लग रहा है, पर ठंड लग रही है, तुमने मेरे को बताया नहीं, स्वेटर लेके आओ। ठंड लग रही है, और अपना वाला कोट दे दो ना। कोट दूं? मेरे कोट डाल लो ना। आपको भी लग रहा है पापा जी? नहीं, व्यू देखो मम्मी का, पहाड़ है, बर्फ है, आगे तो पूरे बर्फ में जाएंगे, कल जाएंगे बर्फ में, कल बर्फ में शूट है हमारा। भाई कुनाली ने जो एक्टिंग किया ना, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इससे। मुझे लग रहा था कि ये रो जाएगा, ये नर्वस होगा, भाई बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर। मैं कह रहा ऐसे कर भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है कुनाली भाई, मजा आ गया भाई, कुनाली मजा आ गया, सच्ची बता रहा हूँ। मम्मी जी को ठंड लग रही है, तो मम्मी जी को जैकेट मिल गया, किसकी जैकेट है? विनीत की, तो विनीत भाई की जैकेट मिल गई है। तो अभी यहाँ से खाएंगे कुछ ना कुछ, तो यहाँ बन रही है मैगी, पाव भाजी और मैगी, तो फिलहाल पाव भाजी खाते हैं। तो अभी गाइस मैगी भी आ चुकी है, रेडी? तो अभी गाइस मस्त खाना पीना हो चुका है, मैगी वैगी खा ली हमने, अब शूट होगा जिप्सी के साथ में, तो चारों भाई जिप्सी में बैठेंगे, मैं चलाऊंगा, तो मस्त शूट आएगा। पीछे बर्फ के पहाड़ इतने मस्त लग रहे हैं ना। तो ये इसका स्टीयरिंग है, जो कि पावर स्टीयरिंग नहीं है, और स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का इसका है, और बाकी गियर ये है भाई। भाई ये कैसे गियर है? ये देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज बस। भाई कुनाली तो अलग ही है, यहाँ पे लटक रहा है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वाह। लटकना नहीं, ऐसे ऊपर नीचे। वाह क्या एक्सरसाइज है। तो गाइस मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ ये चलाने के लिए, बिकॉज मैंने कभी भी इस तरह की जिप्सी नहीं चलाई है, तो ये बहुत पुरानी जिप्सी है और मजा आने वाला है, इतने मस्त पहाड़ और खुली जिप्सी, मजा आएगा। सोडा, आपने बाइक स्कूटी चलाई है? बाइक स्कूटी? हाँ। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं, ट्रायल ले लेते हैं शूट से पहले ना। गाइस मुझे चली नहीं रही, बंद हो जा रही है बरबरी, क्योंकि एक तो पावर स्टीयरिंग नहीं है ये, ऊपर से बहुत पुरानी है, 1996 की है। अच्छा कार में शूट करोगे इस तरह से? कार में से? तो गाइस देख लो कितनी मेहनत चल रही है, ये देखो इतना बड़ा कैमरा, इस तरह से हेलीकॉप्टर में डाल दिया हमने, अब जिप्सी वाले शॉट ले रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है, और भैया भी बहुत स्वीट है। सारे भाई आ जाओ भाई, चारों भाई, चलो चलो चलो।
वो देखो गाइस सामने गाड़ी जा रही है, उसके पीछे कैमरा है तो वहाँ शूट होगा। भाई खतरनाक रास्ते हैं यार यहाँ भी, अभी भी ब्लॉग ही चल रहा है, ब्लॉग ही देख रहे अभी भी। थैंक यू सो मच। हाय कैसे हो? और गाइस यहाँ पे हमको सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं मस्त, तो चलो चलाते हैं। तो अब मैं चलाऊंगा और चारों भाई बैठेंगे, मस्त शॉट लेंगे। तो भी गाइस मैंने चलाई फर्स्ट टाइम, बहुत मजा आया और चल गई, मुझसे भैया ने बता दिया भैया के, तो हाँ शॉट भी ले लिया, काफी मस्त शॉट आया। देख रहे हैं अभी कैसा शॉट आया, कैसा आया भाई, भाई कैसा है कुनाली? अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं। तो अभी देख रहे हैं किस तरह का शॉट आया भाई, देखो कितनी मस्त लग रही है यार। गाइज एक ही बारे में इतना तगड़ा शॉट आ गया ना। तो गाइज एक गाड़ी वाला सीन तो कंप्लीट हो गया, अब हमको आउटफिट चेंज करना है, बिकॉज सुबह से एक ही आउटफिट में है, तो आउटफिट चेंज करते हैं और दूसरे गाड़ी वाला सीन लेते हैं। तो चलो गाइज कपड़े चेंज करते हैं, ये टी शर्ट है और ये जैकेट डालनी है, बाकी नीचे का तो सेम है। मेरा भी, मेरे को ये डालनी थी बस, ये अब यहाँ पे चेंजिंग रूम तो मिलेंगे नहीं, तो अभी नेक्स्ट आउटफिट तो चेंज कर लिया है। और साहिल का ये है भाई, पूरी वीडियो में तू स्मार्ट लग रहा है, कोई नहीं लग रहा। तो गाइज ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लाइट आ रही है, फॉग भी आ रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो अभी गाइस सेकंड शॉट है गाड़ी के साथ में ही, और मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ठंड लगी, मेरी आवाज भी चेंज हो रही है। देखो ये देखो, तो ये देखो दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं येलो में दोनों। तोड़ जा, ये देखो इसका हॉर्न, देखो इसका हॉर्न यहाँ है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, क्या मस्त मौसम हो गया भाई। तो इस वाली गाड़ी में वो कैमरा जिससे शूट हो रहा है सारा गाना, तो यार वो गाड़ी चल रही है, उसकी डिक्की खुली हुई है। गाइस सामने रेनबो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, सिसु। तो सिसु भी काफी फेमस जगह है, आपको पता होगा जो जो भी मनाली आए हैं। तो चलो चलते हैं सिसु देखते हैं। आपका पार्किंग है? हां आपका पार्किंग है, अभी पहुंचने वाले हैं। मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहे मुझे? ना जिप्सी में मजा आते हैं। कितना प्यारा वाटरफॉल है देखो। गाइज आज के इस व्लॉग में मैंने आपको इतनी सारी चीजें दिखा दी ना, इतनी प्यारी प्यारी चीजें दिखा दी। पहुंच गए सिसु, चलो उतरो। फाइनली गाइज सिसु भी पहुंच चुके हैं और हमारी जिप्सी भी आ चुकी है। पीछे देखो कितने मस्त पहाड़ लग रहे हैं भाई साहब, कितने मस्त लग रहे हैं। ठंड लग रही है मम्मी को बहुत ज्यादा। कुनाली को जिप्सी के ऊपर बिठा दिया। कुनाली ठंड लग रही है आपको? लेकिन शूट तो करना पड़ेगा। ऐसा शूट करना पड़ेगा? आपके पीछे देखो, आपके पीछे वो पता क्या है? वो वाटरफॉल है, वो जो है ना वो वाटरफॉल है। कुनाली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पीयूष को भी ठंड लग रही है, साहिल को भी ठंड लग रही है। तो गाइस आज का लास्ट आउटफिट है और लास्ट शॉट, अब लास्ट शॉट होगा, अंधेरा भी होने वाला है। तो चलो पीयूष का ये है, तो आज का लास्ट शॉट रह गया बस, लास्ट शॉट। तो लास्ट शॉट करके फिर चलते हैं होटल पे। तो अभी हमारे कुछ और सब्सक्राइबर्स मिलने आए हमसे, चलो बाय बाय। तो फाइनली गाइस आज का शूट कंप्लीट हो चुका है और शाम के 7 बज गए, पूरे 12 घंटे शूट कर रहे हैं भाई। लेकिन बहुत मेहनत लगती है गाइस, बहुत ठंड भी लग गई। तो अब कल तो और आगे जाना है, वो जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, कल बर्फ में शूट करेंगे हम, और भी ज़्यादा ठंड भाई, बहुत बुरी हालत हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आ गया बिकॉज हेलीकॉप्टर में गए, बहुत तगड़े तगड़े व्यू दिखे, आप लोगों को भी दिखाई और ये भी चलाई। मम्मी आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा, अच्छा लगा? बोर तो नहीं हुए ना? नहीं तो मम्मी फर्स्ट टाइम मनाली, मम्मी ने फर्स्ट टाइम शूट देखा, फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखा और हम बैठे उसमें, तो हाँ काफ़ी अच्छा लगा कि मम्मी आप अभी साथ में थे शूट पे। तो हाँ चलो अब चलते हैं सीधा होटल पे, मुझे तो जाके एडिटिंग करनी है, फिर डिनर करके सो जाएंगे बिकॉज कल सुबह फिर निकलना है, कल सुबह तो 5 बजे निकलना है, 5 बजे। लेकिन मज़ा आ रहा है शूट पे, और जो शूट हो रहा है इतना तगड़ा शूट हो रहा है, तो हाँ वो आप देखना जब भी गाना आएगा ना। ये देखो कैमरे को ले जाने के लिए 2 लोग लगते हैं, तो इस तरह से कैमरे को लेके जा रहे हैं। तो गाइस मनाली आओगे ना तो गर्म कपड़े लेके आना, 2-3 जैकेट लेके आना, बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली गाइस होटल पे पहुंच चुके हैं और देखो 8:30 बज गए और बहुत थके, मेरे पैरों में भी दर्द शुरू हो गया अब तो हाँ फिलहाल अब डिनर करेंगे और फिर जाऊँगा, सुबह फिर निकलना है 5 बजे, क्योंकि हमको कल जाना है एक ऐसी जगह पे जो बहुत दूर है, अराउंड 3-4 घंटे दूर है, तो हमको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा तब जाके शूट कर पाएंगे। बाकी फिलहाल मम्मी आप, मम्मी भी थक गई है, फिर कोई बात नहीं, आप भी रेस्ट कर लेना डिनर करके। तो हाँ फिलहाल अब डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बाकी कल देखना कल क्या शूट होने वाला है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चलो गो, ओए नहीं नहीं ओए, टूट जाएगा वो।